नंदनंदयानंदमयो चेदानंद परम तत्पतिवेदिपौ नमियो शेदशुभा छह नंबर की फूलना तो हो गई, वो सात वो पांच नंबर की फूलना हो गई है, और छह नंबर की फूलना के लिए आपको दूसरी पीडीएफ भेजी है, इसमें नहीं है वो, दूसरी पीडीएफ में ना। आज का विषय है तत्वसार फूलना, अपन धर्म दृष्टि फूलना का वांछन पूर्ण हो चुका है। पूर्ण तो कभी होना नहीं है, धर्म तो अनादि अनंत है, लेकिन अपन उसकी वांछना कर चुके हैं कि देव दीप्ति फूलना, गुरु दीप्ति फूलना, धर्म दीप्ति फूलना, जो तारण पंथ का आधार है, सत्मंगल अपन ने उनका वांछन हो चुका है। अब है पूरे द्वादशांग का आधार तत्व सार, क्योंकि तत्व का श्रद्धान करना ही सम्यक दर्शन है, तय तत्वों का निर्णय करना ही सम्यक दर्शन है, बिना तत्वों के निर्णय के सम्यक दर्शन होने वाला नहीं। चलिए सम्यक दर्शन की प्राप्ति के निमित्त तत्व सार फूलना में अपन पहली कारिका का मंगलाचरण के रूप में उच्चारण करेंगे, पहली और दूसरी कारिका का, इसके बाद अपन इस तत्व सार फूलना का आनंद लेंगे। चलिए ओवे ओवे और सर्वज्ञ जनेश्वर भगवान के अमृत में ज्ञान दर्शा, यह श्री तत्वसार फूलना गाथा जी भय के अपने मूल पावन ग्रंथ, जहां आचार्य देव आश्रद्धान के भय को मिटाकर तत्व श्रद्धान की व्याख्या कर रहे हैं कि वास्तव में तत्व का श्रद्धान कैसा है। तत्वसार, क्योंकि सब तत्व तत्व तो सब लोए गए परंतु, लेकिन तत्व भेद ना जाने को, बात यह इस दुनिया में सारे जीव तत्व कहते हैं, तत्व कहते हैं, तत्व कहते हैं कि तत्व है, 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 लेकिन ये नहीं जानते कि तत्व कहते किसे,
तत्व का भेद क्या, तत्व का रहस्य क्या, तत्व की बात करते हैं लेकिन तत्व के रहस्य को नहीं जानते, इसलिए तत्व सार तुलना उस तत्व के रहस्य को बताने वाली है और हमारे संजलि दीदी के माध्यम से हम इसकी विषय वस्तु पढ़ने वाले हैं जो हमारे मोबाइल पर डिस्प्ले हो रही है कि तारण स्वामी ने इस तत्व सार तुलना में क्या दिया, हम भव्य जीवों को क्या दिया, क्योंकि जब तक इसकी विषय वस्तु समझ में नहीं आएगी तत्व सार तुलना का अनुभव इतने अच्छे से नहीं हो पाएगा जितने अच्छे से होना चाहिए। तो यहाँ तत्व सार तुलना आचार्य श्री गुरुवर तारण धारण स्वामी जी के माध्यम से विरचित है। मावल पावल जी ग्रंथ में ये छठी तुलना है जिसमें तारण धारण देव ने तत्व के सार को, तत्व के सार को मतलब शुद्धात्म स्वभाव ही तत्व का सार है, अपने शुद्ध स्वभाव ही तत्व है, इस तत्व के सार को कहा है, शुद्धात्म स्वरूप को और शुद्धात्म स्वभाव की महिमा तो कही, तत्व के सार को तो कहा, साथ में कर्मों के मर्म को भी बताया वास्तव में इन कर्मों का मर्म क्या है, तो इन कर्मों से छूटने का मार्ग बताया है। यह जीव जो ये जीव आत्मा है अपनी आत्मशक्ति के बल पे, अपने श्रद्धान के बल पे, अपने शुद्ध तत्व को स्वीकार कर इन कर्मों को क्षय कर सकता है, ऐसा वस्तु स्वभाव इस तुलना में आचार्य तारण स्वामी ने कहा, जिसे जानकर ये भव्य जीव क्या करे, अंतर में सत्य पुरुषार्थ जगाए, अपने अंतरात्मा के बल को जगाए और मोक्ष मार्ग में दृढ़ता पूर्वक आगे बढ़ सके, इसलिए ये फूलना लिखी। इस फूलना का सार यही है, क्या क्या है कि अपने तत्व को जानना। इस फूलना जी में पूरे आगम का निचोड़ निकाला, क्या निचोड़ निकाला भैया, क्या है अर्थात सार निकाला है पूरे आगम में, जिनवाणी में 27 तत्व कहे हैं उनका सार निकालकर संपूर्ण सिद्धांत का सार दर्शाया गया। मात्र 17 गाथाएं हैं इस तुलना में, इन गाथाओं में साधक की साधना किस प्रकार होती है, वह मोक्ष मार्ग में कैसे आगे बढ़ता है, ये सारी बात बताई गई है। यहाँ आचार्य देव ऐसी आत्मज्ञान साधना को अनुभव प्रमाण सिद्ध करते हुए क्या कह रहा है भैया, ये भव्य जीव अपना सत्य पुरुषार्थ जागृत करो, तो ममल स्वभाव में रहोगे तो ही कर्मों का क्षय होगा और मुक्ति की प्राप्ति होगी, पर यहाँ वहां की बातें करते रहोगे तो 3 काल मुक्ति होने वाली, इसलिए यहाँ पात्र भव जीव को अपने देवत्व को प्राप्त करने की जो कला बताई गई है वो अपने आप में अभूतपूर्व है। यहाँ उपयोग को दाता कहके अंतर स्वभाव में रमण करने का जो पुरुषार्थ सदुपयोग की बात कही है यही मोक्ष का मार्ग है। यहाँ तारण स्वामी हमें शुद्ध मोक्ष मार्ग बता रहे हैं और देवत पत्र को प्राप्त करके क्या कह रहा है कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप रत्नत्र को प्रकट करो, वस्तु स्वरूप को बता के हमसे क्या कह रहे हैं कि हे जीव आत्मा अपनी आत्मशक्ति को जागृत करके अपने अंदर रत्नत्र का बल जगाओ, सम्यक दर्शन को प्राप्त करो, क्योंकि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ही मोक्ष का मार्ग है। बार बार सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक अपने चारित्र की आराधना करने की प्रेरणा दे रहे हैं। इस फूलन जी में ज्ञान का अमृत रस, क्योंकि देखो अपन मुक्त कैसे होंगे, ज्ञान के बल से ज्ञान का अमृत रस पान करते हुए ये जीव अपने आत्मा का बहुमान जागृत करे, क्योंकि सम्यक दृष्टि भव्य जीव वो ही है जो ज्ञान मार्ग का अनुसरण करता है और शुद्ध मोक्ष मार्ग में आरूढ़ होकर मुक्ति को प्राप्त करता है, वो ही सच्चा सम्यक दृष्टि है। इसलिए है ज्ञानी अपने शुद्धात्म स्वभाव की रमणता ही संपूर्ण तत्व का सार है, तत्व सार का सार तो अपने निःशुद्धात्म स्वभाव की दृढ़ श्रद्धान और ज्ञान पूर्वक अपने शुद्धात्म अनुभूति को प्राप्त करना, शुद्ध स्वभाव में आचरण करना ही है। हे जीवात्मा पर भाव से भिन्न, जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व का सार, यही पूरे तत्व का सार है, शुद्ध समयसार आत्मा ही तत्व का सार है। इस प्रकार से निज अंदर आत्मा की स्वानुभूति को आचार्य श्रीमद् जी तारण करण देव ने इस फूलना में दर्शाया और इस फूलना का मुख्य प्रयोजन इसकी अचरी में है। जब हमने अचरी पढ़ी ना, अचरी में इस फूलना का मुख्य प्रयोजन है, और वैसे तो यहाँ भक्ति से इस फूलना को पढ़ो तो इसका भाव अपने आप ही समझ में आता है, और इन फूलनाओं का शब्दों में अर्थ तो किया नहीं जा सकता, शब्द अतीत है। तो अपन इन गाथाओं के माध्यम से इन फूलनाओं का अभिप्राय पकड़ने की कोशिश करेंगे, वास्तव में इनका अभिप्राय क्या,
तारण स्वामी इन फूलनाओं के माध्यम से हमें क्या बताना चाहते हैं? पढ़ के आनंद लेना है और आनंद के साथ इनके अभिप्राय को जान के आनंदित अपने अंदर प्रफुल्लित होके और सार को पकड़ना है, सार। ठीक है, तो विषय वस्तु पढ़ दी हमने पूरी, अब अपन चलते हैं कथा की ओर। मंगलाचरण अपन ने पढ़ा है, पहले एक काम कर अच्छी का वाचन करें पहले, तो अच्छी में पूरा सार आ जाए, है ना। दो नंबर कार्य का अच्छी है, पहले अपन अच्छी का वाचन करते हैं तो अच्छी में सार आ जाए, उसके बाद फिर अपन पहली गाथा लेंगे तो अपने को समझ में आएगा कि तारण स्वामी क्या कहना चाह रहे हैं। तो पहले अपन अच्छी का वाचन करते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं अच्छी। दीप्ति दृष्टि जो हो देव सहाय शब्द सहाय तम शब्द में माने प्रियो सुई मोति सहाय। जब क्या गजब की बात है, अच्छे ध्यान से सुनना, बहुत बढ़िया है। प्रिय शब्द विमान में रमणता करने से ही मुक्ति मिलेगी। जिनेन्द्र भगवान की जो ये प्रिय अमृतमय वाणी है, ये शब्द रूप जन वाणी है, इन शब्दों के माध्यम से अपने प्रिय स्वभाव में रमण करोगे तो ही मुक्ति मिलेगी। इसके अलावा तीन काल में मुक्ति मिल सकती नहीं। जो क्या कहता है सर, दीप्ति दृष्टि जो हो, क्या मतलब इसका? अरे जी आत्मा, दीप्ति दृष्टि जब तुम्हें ज्ञान सम्यक ज्ञान की ज्योति या सम्यक दर्शन की दृष्टि, जब सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन की ज्योति प्रकट हो तो मोक्ष मार्ग दिखाई दे। जब तुम पुरुषार्थ करो, अंतर में पुरुषार्थ करो और सम्यक दर्शन ज्ञान की ज्योति को प्रकट करो तो मोक्ष मार्ग दिखाई दे, तो तुम्हें आत्मानुभूति दिखाई दे, तो तुम्हें इस इन संयोगों से भिन्न अपने आत्मा का अनुभव दिखाई दे। और यदि आप और हम सम्यक दर्शन और ज्ञान की ज्योति प्रकट ना करें और मिथ्या भाव में कर्तृत्व भाव में यहाँ वहां की मान्यताओं पड़े रहे तो फिर कहाँ से दिखाई दे, है कि नहीं। यदि अपने में प्रकाशित होता हुआ दर्शन ज्ञान स्वभाव अपने को दिखाई दे तो मोक्ष मार्ग मिले। मैं ज्ञान दर्शन ज्योति स्वरूप आत्मा हूँ, जब ऐसा अपने को अंतर्भाव दिखाई दे, सम्यक दर्शन ज्ञान की दृष्टि प्रकट हो तो मोक्ष मार्ग की गेल मिले। और यदि सम्यक दर्शन और ज्ञान का प्रकाश ही ना हो, भगवंतों की वाणी को स्वीकार ही ना किया जाए, इस देह से भिन्न अपने आत्म तत्व को अनुभव ही ना किया जाए तो फिर सम्यक दर्शन ज्ञान का मार्ग ना हो तो फिर कहां से आगे बढ़ोगे? आगे बढ़ने के लिए ज्योति चाहिए। जैसे जैसे आप रोड पे चल रहे हो और अंधेरा हो तो अंधेरे को पार करने के लिए उजाला चाहिए, टार्च चाहिए। टार्च होगी तो चल पाओगे, और ये टार्च नहीं होगी तो रास्ते में गड्ढा है, नाली है, खंती है, खप्पन है, कहीं भी कहीं ना कहीं धस जाओगे कि नहीं धसोगे। उजाला होगा तो दिख जाएगा भैया कहाँ कीचड़ है, कहाँ नाली है, कहाँ गड्ढा है, कहाँ कुआ है, तो अपन देख के चलेंगे तो क्या होगा, गंतव्य तक पहुंच जाएंगे, रास्ता दिखाई देगा और अपन अपना मार्ग प्रशस्त कर पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। और उजाला ही नहीं हो तो अब जितनी रास्ते बाधाएं आती हैं उनसे बच जाएंगे। उजाले ही नहीं हो तो सम्यक दर्शन ज्ञान का उजाले ही नहीं हो तो कहीं राग भाव की खप्पन में खप जाओगे, कहीं द्वेष भाव की खप्पन में खप जाओ, ठीक है नहीं। यदि सम्यक दर्शन का उजाला ना हो या सम्यक ज्ञान का उजाला ना हो तो क्या होगा? कोई ने कह दे यहाँ चले जाओ तो वहां भग जाओ, कोई ने कह दी वहां चले जाओ तो वहां भग जाओ, कहीं मिथ्या में फंस जाओ, कहीं मोह में फंस जाओ, कहीं अज्ञान में फंस जाओ। तो यदि सम्यक दर्शन ज्ञान का उजाला नहीं होगा तो कहीं ना कहीं जीत तो खपे गई, कहीं ना कहीं तो फंसेगा, लोक मूर्ता में, देव मूर्ता में, पाखंड मूर्ता में, कहीं ना कहीं तो उसका जीत फंसे गई। भगवान की वाणी का प्रकाश ना हो, हाँ सत्य वस्तु स्वभाव का यदि निर्णय ना हो तो इस अज्ञान पंचम काल में मिथ्या का जोर बलवत्ता से है, चारों तरफ क्रिया कांड आडंबर में जीव डूबे हुए, धर्म के नाम पे पाखंड का फैलावा बहुत ज्यादा है। तो यदि जीव को सम्यक दर्शन ज्ञान का उजाला नहीं होगा, दीपी मतलब देखो, दृष्टि जू हो, अपनी ज्ञान की दृष्टि से देखो, अपने आत्मज्ञान की दीपी मतलब देखो, कैसे देखो, दृष्टि से देखो, जू हो अपने सम्यक ज्ञान की दृष्टि से देखो। क्या देखे तारण स्वामी?
देव सहाय शब्द क्या देखे क्या देखे क्या देखे सम्यक अपनी सम्यक दृष्टि से देखो क्या देखे चलिए बताओ क्या देखे देखो क्या लिखा था समय पूरे जिनवाणी का सार शब्द सहाय ये पूरे आगम शब्द सहाय मतलब ये पूरे आगम में जिनेंद्र भगवान की वाणी में जो सार रूप आया है उसे द्वादशांग तो बहुत बड़ा है अभी हरि उदय भैया चर्चा कर रहे थे कि मध्यम पद कितने करोड़ अक्षरों और पदों का होता है यदि मध्यम पद लिखे तो मैं अपने पूरे दमों में लिखा है तो मध्यम पद पूरा ना हो कितने करोड़ अक्षरों का है कौन लिखेगा एक पद ही इतना बड़ा है और करोड़ों अरबों पद है करोड़ों पद है तो एक पद लिखा नहीं जा सकता द्वादशांग का आगम का विस्तार तो अनंत अनंत है अतः समुद्र जैसा है तो आगम का विस्तार तो अथाह समुद्र जैसा है अनंत अनंत है उसका कोई और छोर मिलने वाला है नहीं तारण स्वामी क्या कह रहे हैं शब्द सा है इन शब्दों के आश्रय से जिनवाणी के जो शब्द अपने को मिले ना गुरु कृपा से तारण स्वामी जी ने अपने अनुभव से भगवान की वाणी का जो सार निकाल के दिया ना तत्व का जो सार निकाल के दिया ना तो आचार्य भगवंत कहते हैं शब्द सा है इन शब्दों के आश्रय से देखो अपनी सम्यक ज्ञान की दृष्टि में देखो क्या देखो देव साहेब कि तुम्हारे अंतर में तुम्हारा निज भगवान आत्मा शुद्धात्म देव विराजमान है इस देव स्वभाव को अपने अंतर में देख लो ये तत्व का सार जो है अचरी आचरी बस जीव जुदा पुद्गल जुदा यही समय का सार तारण समय यही कह रहा है कि दीप्ति दीपि देखो दृष्टि अपने दृष्टि में जू हो अरे तुम ज्ञानी हो तुम आत्मा हो तुम जू हो तुम जीव हो तुम भव्य हो तुम देखो क्या देखे तारण स्वामी देव स्वभाव को देखे कहाँ दिख रहा है वो कहले शब्द सहाय भगवान की वाणी के चिंतन के माध्यम से भगवान की वाणी के अनुसरण करने के माध्यम से भगवान की वाणी के बहुमान के माध्यम से तुम अपने देवत्व के स्वभाव को देखो ओ, मैं तीन लोग को प्रकाशित करने वाली वो ज्ञान मात्र देव सत्ता वो मेरे अंतर में विराजमान है देखो ये अचरी और जब ये अचरी अपने अंतर बसेगी तब ये फूल समझ में आएगी ये अचरी पूरी पूरी फूल में चलेगी हर गाथा के बाद ये अचरी चलेगी और ये अचरी हमने पहले इसलिए पढ़ ली मंगलाचरण नहीं करा हमने पहले हमने मंगलाचरण का अर्थ नहीं करा पहले हमने अचरी का अर्थ करा काय करो भैया क्योंकि अचरी इस फूल के सार क्या सार है कि दीपी दृष्टि दीपी मतलब देखो दृष्टि में हो जू अरे तुम भव हो जी कहां लगे हो सामान्य भाषा में बुंदेली क्या अरे दीपी देखो कहां देखे गुरु महाराज कहां देखे अरे अपनी दृष्टि में देखो अरे कहां देखे जू हो अरे तुम भव हो जी कहां लगे हो कहां देखे तारण स्वामी हम भव है तो कहां देखे अरे देखो तो देव सहाय तुम्हारा देव स्वभाव प्रकट हो गया है शब्द सहाय जिनवाणी के चिंतन मनन आराधन के माध्यम से देखो तो जी कहां देखे अपने देव स्वभाव को देखो मुक्ति की प्राप्ति हो गई। अब इतनी मधुर मधुर वाणी तारण स्वामी का ऐसा अमृत में उपदेश यदि स्वीकार ना हो तो अपना भटक रहा है देखो तो प्रकट हो जाएगी तो नहीं देखोगे तो भटक दो स्पष्ट है ना कि जू देव जू धो देव सहाय देव स्वभाव को देखो शब्द सहाय भगवान की अमृत वाणी से प्रकट हो गया है और देखो पर क्या कहते हैं तम शब्द विवाने प्रियो सुई मुक्ति सहाय देखो देखो क्या कहते हैं देखो तो ये भगवान की वाणी में जो हित में प्रिय वचन उत्पन्न हुए हैं भगवान की वाणी में भगवान के शुद्ध वचनों में भगवान की दिव्य ध्वनि में भगवान के उपदेश में तम शब्द विमान प्रियो भगवान की वाणी में जो हितमित प्रिय शब्द उत्पन्न हुए हैं वो शब्द विमान है वो विमान है ये भगवान की दिव्य ध्वनि ये जो जिनवाणी पर पढ़ना है ये शब्द विमान है अच्छा भाई कैसे विमान है
इन जनवाणी को सुनने से, इन शब्दों के अर्थ को सुनने से अपना उपयोग और पदार्थ से पलट के अंतर में जाता कि नहीं जाता, विमान है कि नहीं? तुम कौन से विमान की चर्चा कर रहे हो? सो धर्मेंद्र का विमान केले क्या चाहिए? केले लगे केले उसका हाथी चाहिए, केले एरावत हाथी चाहिए, कह रहे उससे अच्छा विमान तो कोई है ही नहीं। अरे वो तो सांसारिक विमान है, केले भैया हमें अपना विमान चाहिए, कह रहा कौन सी गाड़ी चाहिए? केले हमें मर्सिडीज में घूमने का आनंद ही कुछ, कह रहे वो विमान विमान नहीं है। तो कह लगे कि विमान किसे कहते हैं? विमान वास्तव में है क्या? आचार्य भगवंत कहते हैं कि हे भव्य जीव, हे भव्य आत्मा, वास्तव में विमान किसे कहो गया? विमान है क्या? तो उन्होंने कहा कि सुनो तो भव्य जीव, सुनो हे भव्य, सुनो क्या? सुनो धम्म शब्द विमान प्रिय। देखो तो भगवान के ये वचन प्रिय है, हितमित है, किसी जीव के हृदय को ठेस पहुंचाने वाले नहीं है। भगवान अनंत करुणा से भरे हुए, वो तीन लोग को अपनी करुणा से मोक्ष मार्ग बताने वाले, जिनके अंतर सर्वत्र राग द्वेष का अभाव है, ऐसे भगवंतों की वाणी हितमित है, प्रिय है, अंतर में आत्मा का अनुभव कराने वाली है। हे भव्य आत्मा, ऐसे प्रिय शब्दों को विमान बनाओ, इन शब्दों के विमान में बैठो, इन शब्द विमान का चिंतन करो, इनका मनन करो, इनकी गहरी श्रद्धा करो, इन भगवान के शब्दों की, भगवान के प्रिय वचनों की, हितमित वचनों की श्रद्धा करोगे तो सुई मुक्ति सहाय, इस शब्द विमान में बैठोगे तो स्वयं मुक्ति को प्राप्त कर लोगे। भगवान की देवध्वनि में जो अमृतमय वचन खड़े हैं, यदि इन वचनों को स्वीकार करके यदि शब्द विमान में बैठोगे तो मुक्ति श्री को वरण कर लोगे, मुक्ति श्री को प्राप्त कर लोगे। पर इस शब्द विमान में नहीं बैठोगे और हाय हाय किलकिल में लगे रहोगे, कौन क्या कह रहा है, कौन क्या नहीं कह रहा, दुनिया में लोग क्या कह रहा है, लोग क्या कर रहे हैं, दुनियादारी के विकल्प में लगे रहोगे तो आत्मानुभूति होने वाली। शब्द विमान को प्राप्त करोगे तो मुक्ति प्राप्त होगी, और शब्द विमान को प्राप्त नहीं करोगे तो संसार का परिभ्रमण के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। क्या करना है? एक बार और अर्थ कर दे रहे हम अचरी का, पर ध्यान रखना ये आचरी पूरी फूलना में साथ में चलनी है, इसी लक्ष्य से फूलना लिखी गई, ये समझो। इस फूलना जी में ये दो नंबर की जो अचरी अपन पढ़ रहे हैं, ये अभिप्राय है पूरी फूलना की सिद्धि का। वही तो हमने भी बताया, आपने ध्यान से नहीं सुनी, एक बार फिर बता रहा, फिर से अभी फिर बता रहा है, एक बार मिला फिर से दूसरे नंबर की गाथा। दीप्ति दृष्टि जुहो, दीपी दृष्टि जुहो, दीपी मतलब देखो, दृष्टि अपनी दृष्टि में, जू अरे हो तुम भक्त हो, प्रेम से कहते जू, अरे जू तुम भक्त हो, अरे जी तुम भक्त हो, अपनी दृष्टि में देखो। कहा देखे तारण स्वामी? कहले देव सहाय, अपने देव स्वभाव को देखो। कैसे देखे? शब्द सहाय, इन शब्दों के सहारे से, भगवान की देव ध्वनि के माध्यम से, इस जनवाणी के माध्यम से अपने देव स्वभाव को देखो। जनवाणी का शब्द से देव स्वभाव को कैसे देख सकते हैं? उन्होंने नीचे लिख दिया तम शब्द विमान प्रियो। अरे ये जो भगवान की वाणी है ये शब्द विमान है, शब्द विमान है मतलब कैसे शब्द विमान है? ये भगवान के जो हितमित वचन है, प्रिय वचन है, ये शब्द विमान है। कैसे शब्द विमान है? ये अपने उपयोग को बाहर की जगह अंदर ले जाते हैं, विमान है ये जनवाणी विमान है, ये यात्रा करने वाला वो विमान नहीं है जो गाड़ी है मोटर है बंगला वाला विमान नहीं, ये कौन सा विमान है? ये उपयोग का विमान है, ये प्रिय वचन, ये उपयोग को पर्याय से हटा के, दुनियादारी की चिंता से हटा के अंदर की ओर ले जाते हैं, इसलिए ये शब्द विमान है। विमान मतलब उपयोग को अंतर ले जाने वाला रथ, उपयोग को अंतर ले जाने वाली जो विमान की व्यवस्था है वो उपयोग को अंतर ले जाने वाले विमान की व्यवस्था, और उस विमान में बैठोगे हितमित प्रिय
भगवान के वचनों को स्वीकार करके यदि इस शब्द विमान में बैठोगे, इस प्रिय विमान में बैठोगे, तो सुई मुक्ति साथ तुम्हें स्वयं मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। किसी के सामने मुक्ति ढूंढने के लिए जाना नहीं पड़ेगा। ये है तारण स्वामी का मार्ग। ये शब्द विमान है, भगवान के वचन है, बड़े प्रिय है, अनमोल है, हितमित है। इन शब्द विमान में बैठो, इनका चिंतन करो, इनका मनन करो, तो उपयोग पर पदार्थ झटके स्वयं में लगेगा। तो जहां उपयोग स्वयं में आएगा तो सुई मुक्ति सहाय स्वयं मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। भटकना नहीं पड़ेगा, किसी से पूछना नहीं पड़ेगा, किसी से मांगना नहीं पड़ेगा, अपने आप उपयोग अंतर्मुख होगा और स्वयं मुक्त हो जाएगी आत्मा। ये मार्ग पराधीनता का नहीं, तारण स्वामी ने जो मार्ग खोला है वो पराधीनता का मार्ग नहीं खोला, पराश्रय का मार्ग नहीं खोला। तारण स्वामी ने जो मार्ग खोला है स्वाधीन मार्ग खोला है कि तुम स्वयं पुरुषार्थ करो और स्वयं परमात्मा हो जाओ। स्वाधीनता का मार्ग खोला तारण स्वामी। ये नहीं बोला कि तुम हमें भक्ति करो, तुम हमें पूजा करो, तुम हमें वंदना करो, तुम हमें देखो या हमें गुरु मानो या हमारी मंदिर बनवाओ। उन्होंने ये मार्ग नहीं खोला। तारण स्वामी ने क्या मार्ग खोला? उन्होंने कहा अपने में स्वयं देख लो, जिनवाणी के माध्यम से, जिनेन भगवान वचन के माध्यम से अपने में तुम स्वयं देख लो कि तुम देव हो। जैसा अर्यंत पद मैंने प्रकट कर रहा हूं या जैसा अर्यंत पद अनंत भगवंतों ने प्रकट किया है, वैसे ही देव पद तुम्हारे अंतर में है। तुम स्वयं अपनी दृष्टि में देख लो। कैसे देखे? के ना जिनवाणी के इन शब्दों को स्वीकार करके तम शब्द विमान प्रियो, तम शब्द विमान प्रियो, जिनवाणी के इस हित में प्रेम भरे शब्दों को सुन के, इन जिनवाणी के मनन और चिंतन से प्रीति लगा के तुम स्वयं अपने में देख लो। क्या देख लो? भैया तुम्हारा देव स्वभाव तुम्हारे अंदर में है, तो सुई मुक्ति सहाय तो स्वयं मुक्ति को प्राप्त कर लो। है कि नहीं? ये विमान है कि नहीं अपने पास? अपने पास चार पहिया है, दो पहिया है, और यदि कोई व्यापारी 10 चक्का है, 20 चक्का है, 22 चक्का है, 16 चक्का है, 18 चक्का, कितने चक्का? कहले बहुत सारे चक्का है, अभी 2 चक्का से लेके 20-22 चक्का तक। लेकिन वो जो चक्का है अपने पास, 2 चक्का, 3 चक्का, 4 चक्का, 6 चक्का, 8 चक्का, 12 चक्का, वो चक्का वो विमान तो है, लेकिन संसार में घुमाने वाला विमान। हेलीकॉप्टर भी हो तुम्हें, हवाई जहाज भी हो, तो वो भी संसार में घुमाएगा, लेकिन ये गुरु महाराज का जो चक्का है, ये विमान है, ये चतुष्टय स्वभाव का चक्का है। तो ये अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर, ये जो आत्मा का चक्का है, तब तम सप्त विमान, ये जो जनवाणी का प्रिय हितमित उपदेश है, ये विमान अंतर में सुई मुक्ति सहाय, ये चक्का स्वयं अंतर में मुक्त स्वभाव को प्रकट करने वाला। इस विमान में बैठो, इस तरण विमान में बैठो, इन शब्द विमान में बैठो, इन दीप्ति और दृष्टि विमान में बैठो, इन विमानों में बैठोगे, इस प्रिय विमान में बैठो, प्रिय शब्द विमान में बैठो, इस विमान में बैठोगे तो स्वयं मुक्त हो जाओगे। किसी पंडित जी के पास पूछने नहीं जाना पड़ेगा कि पंडित जी हमारी मुक्ति कब हुई है। जब ये विकल्प मिट जाएगा, कब मिट जाएगा? कब मिट जाएगा? जब हम प्रिय विमान में बैठेंगे, दूसरों से पूछने का विकल्प मिट जाएगा। यदि अपन इस विमान में नहीं बैठेंगे तो दुनिया को हाथ दिखा रहेंगे कि हमारा भविष्य कहा है, बता दो पंडित जी कल कहा होने वाले। अरे सिद्ध बनने वाले हो, जिनवाणी तो बता रही, क्या टेंशन है? है कि नहीं? यदि अपने अंतर में यदि जिनवाणी रूपी प्रिय विमान में बैठोगे तो क्या होगा? कहना तुम्हें खुद पता हो जाएगा कल हमारी मुक्ति होने वाली है, निर्वाण को प्राप्त करने वाले, किसी पंडित के पास हाथ दिखाने नहीं जाना पड़ेगा। और जिनवाणी के शब्द विमान में नहीं बैठोगे तो फिर क्या होगा कि पंडित जी हमारे हाथ की लगे, देखो दिन अच्छे नहीं चल रहे, तब हमारे दिन कब फिरे जब बता दो। सही तो चल रहा समाज संसार में, तो यदि जिनवाणी के प्रिय विमान में बैठ जाओगे तो मुक्ति, और नहीं तो पंडित जी की दुकान चली रही है।
फर्स्ट क्लास। इसलिए यहां अपने अंतर में शब्द विमान भगवान की वाणी को यदि स्वीकार कर रहा है तो मुक्ति, मतलब तेरे की मुक्ति तो बटनी है, पक्की बात है। यहाँ तो तेरे बंद नहीं है ना, दमो में यहाँ तो बटेगी, तो क्या करना है, मुक्ति बटवाने हैं कि मुक्ति चाहिए। अरे टारगेट बना लो अभी से, क्या करना है, अब हम मंगल शरण की ओर चलते हैं। अब बात सारे समझ में आए, अपन शब्द विमान समझ लिया, प्रिय विमान समझ लिया, दीप्ति विमान, दृष्टि विमान समझ लिया, और तारा स्वामी ने कहा इसमें अपने स्वभाव में जाओगे, देव स्वभाव को देखोगे तो स्वयं मुक्ति मिल जाएगी, किसी से पूछने तराशने का काम नहीं, ये काम मांगने तुमने का नहीं। अब देखो, अब तारा स्वामी मंगला शरण कर रहे हैं, फूलना का अभी अपन अचरी पड़ी, अभी अपन ने अचरी पड़ी, अब अपन वांछना की ओर चलते हैं। तारा स्वामी जहां तत्सार फूलना का मंगला चरण कर रहे, तो मंगला चरण कर रहे हैं, तो मंगला चरण में उन्हें जो प्रकट हुआ है, जिसका वो आनंद ले रहा है, जिसका उन्हें बहुमान उत्पन्न हुआ है, जो उनके रोम रोम से अनुभूति में शुद्ध उपयोग की रमणता में आ रहा है, सबसे पहले उस त्रिकाली उस तत्व की महिमा कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, देखो क्या हो गया तारा स्वामी, आपको क्या हो गया, आप घर गृहस्थी छोड़ के बैठे, आप जंगलों में रह रहे हैं, आप क्या कहने लगे संसार के प्रपंचों से विरक्त है, तो आपको हुआ क्या है, कुछ तो हुआ है। तो कह रहे सुनो सुनो, उपनव हो प्रकट हुआ है, उपनव जागृत, जागृति आई है, बोध में जागा है, अंतर में प्रकाशित हो रहा है, क्या प्रकाशित हो रहा है, ज्ञान विज्ञान तत्व, जो अपना ज्ञान ज्ञान विज्ञान में, केवल ज्ञान के विज्ञान में, अनंत ज्ञान में जो अपना ज्ञान स्वभाव है, वो ज्ञान स्वभाव अनुभव में प्रकट हुआ है, और तत्व स्वभाव भैया अपना तत्व जानने में आया, कौन सा तत्व जानने में आया, कहने अजीब नहीं जीव, तो कहने लगे अपने अंतर में जो ज्ञान विज्ञान में तत्व है, वो तत्व जानने में आ गया कि मैं चैतन्य आत्मा इन विकारी पुत्र परिवार संयोग आदि विकल से भिन्न हूँ, ऐसी वीतराग चेतन सत्ता का उदय हो गया, इसलिए हम घरों में नहीं जंगल में दिखाई दे रहे, नाम कमाने के लिए नहीं, पूजा करवाने के लिए नहीं, काय के लिए, ज्ञान विज्ञान में अपना स्व तत्व भगवान आत्मा प्रकट हुआ है, इसलिए अपने अंदर भी हो जाए, अपन भी श्रद्धा हो जाए, अपने को भी स्वीकार हो जाए, तो अपने को भी धीरे धीरे पाप से, प्रपंचों से, अशुभ भाव से धीरे धीरे अपनी आसक्ति भी घटे। देखो बिना तत्व के अनुभव के या बिना तत्व की स्वीकारता के ना आप मोक्ष जा सकते ना हम मोक्ष जा सकते, ये वक्त पक्की। यदि मुक्ति चाहिए तो 27 तत्वों का यथार्थ निर्णय करके स्वतत्व भगवान आत्मा को ही अपनी दृष्टि में देखना पड़ेगा, इसके अलावा अन्य कोई उपाय है क्या, और कोई रास्ता है। जब जीव आप और हम अच्छे से जान ही रहे हैं कि इसके अलावा अन्यत्र कोई दूसरा उपाय नहीं है, तो तारण स्वामी कह रहे हैं उपनव हो, हमने उत्पन्न कर लिया, हम आनंद ले रहे हैं, काय का ले रहे हो, कि ना ज्ञान विज्ञान में अपने स्वतत्व में रमने का आनंद ले रहे हैं, कि तुम भी सुखी होना चाहते हो क्या, कि गुरु विचार तो कछु ऐसा ही है, जन्म मरण तो बहुत कर ला है, हम भी थोड़ा सुखी होना चाहते हैं, तो तुम भी उत्पन्न कर लो और तुम भी आनंद में रहो, तुम्हें कौन दे रोको। आत्मा चिंतन करके, मनन करके, अपने अंतर में चैतन्य तत्व को स्वीकार करके तुम भी उसे अनुभव में उत्पन्न कर लो, अपने शुद्ध आत्म स्वभाव को, अपने ज्ञान तत्व को अपनी स्वानुभूति में प्रकट कर लो और तुम भी आनंद में रहो, तुम्हें कौन दे रोको। अरे वैसा सुख चाहते हो, कैसा सुख, कि वो जंगल में रह के सुखी हैं और हम एसी में रह के दुखी हैं। यदि वैसा सुख चाहते हो कि जहाँ एसी की जरूरत नहीं हो, कूलर की जरूरत नहीं हो, खावे की जरूरत नहीं हो, पीवे की जरूरत नहीं है, यदि ऐसा सुख चाहते हो जो भौतिक सुखों से
अलग है। ऐसा सुख चाहते हो तो आचार्य भगवान कहते हैं उपमुनो हो, उत्पन्न करो प्रकट करो, स्वानुभूति में जागृत करो। क्या जागृत करो? पहले ज्ञान विज्ञान में अपने स्वतत्व को अपने अनुभव में जागृत करो। कौन सा वाला सुख? वो घर वालों नहीं मिलेगा, तुम सोचो कि गुलाब जामुन खाने वाला सुख मिल जाए और उसकी चाहे में तो मेरी आत्म ध्यान लगाने बैठो तो आंख बंद करते से रसगुल्ले रसगुल्ला दिखे। अरे इंद्रिय सुख की अभिलाषा मन में दबी रहे, भौतिक सुख की अभिलाषा यदि मन में दबी रहे और ध्यान लगाने बैठ जाओ तो सही कह रहे हैं, आंख बंद करते से वही वही रसगुल्लों को ढेर ही दिखाई दे, एक आदमी ना दिखाई दे। खाओ तो एक दो ही खा पाओ लेकिन ध्यान लगाओ तो वो इतने सारे दिखाई दे कि मन वही में अटक के रह जाए। खाओगे कितने? खाओगे चार छह, और ध्यान में बैठोगे कितने दिखेंगे? चलिए बताओ, पूरा पतीला भर के देखे है या कोपर भर के देखे? ज्यादा भाई तो खावे में तो दो चार अंदर जाए और ध्यान लगावे में बहुत सारे दिखाई दे। कहा भैया ऐसा काय हो रहा? अरे वो आशक्ति जो है वो उसमें सुख की जो अभिलाषा है उसमें जो अपने पने की जो मान्यता है उसमें सुख मान के जो बैठे हो तो वो आशक्ति कल्पना में तो कितना भी कल्पना करी जा सकती, खाने में तो कैपेसिटी है लेकिन कल्पना की कोई लिमिट नहीं। इसलिए यहाँ आचार्य कारण स्वामी कह रहा है यदि तुम गुलाब जामुन से रहित सुख लेना चाहते हो तो काय से रहे? यदि तुम गुलाब जामुन से रहित सुख लेना चाहते हो तो उपनाओ हो तो उत्पन्न करो, तो अपने अंतर से प्रकट प्रकटाओ। क्या प्रकटा है? ज्ञान विज्ञान है तत्व साम यथार्थ तत्व का श्रद्धान कि इन पर पदार्थों से भिन्न मैं ज्ञान विज्ञान में ध्रुव आत्मा ही हूं, ऐसे श्रद्धान को प्रकटाओ तो क्या होगा? तो क्या होगा? सो तत् जो हो तौ जिनवर ममल सहाय। क्या कहा उन्होंने? यदि हम ऐसे तत्व का श्रद्धान प्रकट कर लेंगे तो क्या होगा? और ऐसा तत्व कहा किसने पहले तो ये बता। दोनों बातों का जवाब पहले उन्होंने उक्तौ जिनवर जिनवर किसने कहा है कि ये तत्व तो जिनेंद्र भगवान ने कहा, लेकिन हम इस तत्व को प्राप्त कर लेंगे तो क्या होगा? सो तत्व जो हो, यदि हम इस तत्व को जान लेंगे तो क्या होगा? केले ममल सहाय, ममल केवल ज्ञान स्वभाव की प्राप्ति होगी। और क्या चाहते हो ये बता? तुम स्वयं परमात्मा हो जाओगे, तुम स्वयं देव हो जाओगे, तुम्हें स्वयं शुद्ध उपयोग की प्रकटता हो जाएगी, अंतर में अपना आनंद में स्वरूप तुम्हें स्वयं प्रकट हो जाएगा। वो शाश्वत सुख जो तुम अरिहंतों में देखते हो, सिद्धों में देखते हो, मुनि भगवंतों में देखते हो, साधु परमात्मा में देखते हो, वो परम सुख तुम्हारे अंदर में प्रकट हो जाए। कैसे? सो तत्व जो हो, कैसे 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 हो जाएगा? सीधी बात है, सो तत्व जो हो तुम ही वो तत्व हो, वो तत्व हो तुम ही वो सार हो जिसे पूरी जिनवाणी विस्तार रूप सुना रही है, वो समय का सार परमात्मा तुम ही हो और कहीं तत्व है नहीं। यदि सार भूत यदि कुछ है इस तीनों लोकों में, इस त्रिभुवन में यदि कोई सार भूत यदि कोई है तो सो तत्व जो हो कि तुम्हारा स्वयं का तत्व, कौन सा तत्व? समय सार शुद्ध आत्मा, वो तत्व ही जो हो तुम हो। किसने कहा? जिनवर उक्तौ जिनवर जिनेंद्र भगवान ने कहा। क्या कहा? कि तुम वो स्वयं परम तत्व परमात्मा हो। किस कौन कह रहा है? उक्तौ जिनवर जिनेंद्र परमात्मा कह रहा है। क्या कह रहा है? ममल सहाय, वो ममल स्वभावी जो है वो तुम्हारा स्वतत्व परमात्मा ही है। अब अपने तत्व को ना जान के तुम दुनिया में भटक रहे हो, इसलिए संसार में चक्कर लगा रहे। अरे तारण स्वामी इन कर्मनों का क्या करें? कह रहे हैं सुनो, मल रहियो हो ओवेनु जो दासा देव सहा।
सुनो तो, ये जो आत्मा है मल रहिया कैसी है? तुम पागल हो गए हो कि तुम्हें कर्म संयोग दिखाई दे रहा है, ये संसार का परिभ्रमण दिखाई दे रहा है, ये संसार की यात्रा दिखाई दे रही है। क्यों दिखाई दे रही है? क्योंकि श्रद्धान मिथ्या है, अपनी दृष्टि विपरीत है। विपरीत दृष्टि होने से, श्रद्धान मिथ्या होने से तुम्हें ये कर्मल दिखाई दे रहा है, लेकिन यथार्थ में भगवान की वाणी को स्वीकार करो, एक तत्व को अपनी दृष्टि में देखो तो मल रहियो, आत्मा में तुम मल है ही नहीं। क्योंकि तत्व में, तत्व उसी को कहते हैं जो शुद्ध हो, तत्व उसी को कहते हैं जो अपने स्वभाव में परिपूर्ण हो, तत्व उसी को कहते हैं ना जो स्वयं में ठोस हो। ठोस का नाम तत्व है, तत्व साथ भूलना है कि नहीं? जो ठोस है, जो द्रव स्वभाव रूप है, जो अस्तित्व रूप है, उसका नाम तत्व। और जो ठोस नहीं है, स्वभाव रूप नहीं है, अपने स्वभाव से विपरीत है, उसको तत्व नहीं कहते। तत्व होता है ठोस, वजनदार, जिसका स्वभाव यदि कहा जाए तो जिसकी कोई काट ना कर सके। तुम कह दो आत्मा है, कोई काट सकता है इस बात? नहीं काट सकता। तुम कह दो पुद्गल द्रव है, कोई काट सकता है? तो तत्व अपने आप में वजनदार है, ठोस है, उसको ना कोई उत्पन्न कर सकता और ना कोई उसका नाश कर सकता। यदि आप और हम ये कहें अनंत काल से निगोद में जन्म मरण किया तो आत्मा मर गई क्या? और अब अनंत जाके मुक्ति, अनंत काल तक मुक्ति में जाके सिद्ध शिला में विराजमान होगी तो क्या आत्मा खत्म हो गई क्या? तो निगोद में भी है, जन्म मरण करते समय भी उसका अस्तित्व है और सिद्ध शिला में भी उसका अस्तित्व है। तत्व तो एकदम प्योरिटी में, तत्व सार को कहते हैं ना, जैसे निब्बू का तत्व क्या है? निब्बू का अर्क बना लो तो कहते तत्व, निब्बू का तत्व तो खटाई है। निब्बू जहां जहां पाया जाएगा वहां वहां खटास रहेगा। ऐसे ही निब्बू का सत्य ताटरी, तो ऐसे ही अंतर में अपना तत्व क्या है? जैसे ये तत्व है वैसे अपन भी तत्व है कि नहीं? तो आचार्य भगवान कहते हैं कैसे तत्व तुम? मल रहिया उविनु जुदाता देव सहाय। अरे तुम इन आठ कर्मों से रहित हो, उवनु उत्पन्न करो, जू हे जी उत्पन्न करो, हे जू उत्पन्न करो, क्या उत्पन्न करो? दाता देव स्वभाव, जो परम दाता अपना देव स्वभाव है, जिससे केवल ज्ञान दर्शन सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र सारी अनंतानंत रिद्धि प्रकट होती है। हे भव्य आत्मा, ऐसे अपने देव स्वभाव को उत्पन्न करो, दाता बन जाओ। दाता बन जाओ मतलब अपना उपयोग अंतर में दान दे दो। लाखों करोड़ों का दान बाद में करना, बोली लगवाएंगे तो लाखों करोड़ों का दान बाद में करना, पहले दान करना है ना, तो क्या करो? पहले दाता बनो कि मैं तो तीनों लोगों को प्रकाशित करने की सामर्थ रखता हूँ। पहले दाता स्वभाव को उत्पन्न करो और दाता बनके अपने उपयोग को अंतर में दान दो तो अपना देव स्वभाव प्रकट हो जाएगा। तुम कर्म मल से रहित ही हो, अंदर जाओगे तो कर्म मल से रहित हो, बाहर देखोगे तो जल्दी बताओ, जल्दी बताओ कितना सीधा सिद्धांत है। अंदर जाओगे तो मल रहियो और बाहर जाओगे तो मल सहियो। क्या पढ़े? मल सहियो। क्या पढ़े? मल रहियो। यदि अंदर जाओगे, तारण स्वामी ने लिखा कि मल रहियो, यदि उपयोग रूपी दाता को आत्म चिंतन में ले जाओगे तो उसको अपना देव स्वभाव जो निष्कलंक स्वभाव है वो कर्म रहित ममल स्वभाव ही दिखाई देगा अंदर जाओगे तो, और यदि बाहर रहोगे तो मल सहियो। मैं ही कर्ता, मैं ही धर्ता, मैं ही मालिक, मैं ही स्त्री, मैं ही पुरुष, मैं ही खाने वाला, मैं ही सोने वाला, मैं ही जागने वाला, दुनिया की व्यवस्था चलाने वाला मैं। आप बताओ अंदर या बाहर?
देखो भैया, तारण स्वामी तो सीधी बात कर रहा है, और यदि अपने अंतर में अपने अपने दाता स्वभाव उपयोग ले आओ तो क्या होगा? तारण स्वामी आपसे ये बता, इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, हम अपने अंतर में उपयोग ले जाएंगे तो क्या होगा? देखो लिख दिया उन्होंने, तत्काल हो जो एक क्षण की देर नहीं होगी, जिस समय अपने उपयोग को अपने अंतर्मुख करोगे तत्काल हो शीघ्रता से उसी समय तत्काल क्या होगा? जो समय तुम्हारा तत्व स्वानुभूति में प्रकाश हो जाएगा, समय तुम उसमें समा जाओगे, उसमें लीन हो जाओगे, और वो समय सार भगवान आत्मा जो लोकालोक को प्रकाशित करता है उसकी अंतर्लीनता प्रकाश हो जाएगी, संपूर्ण विश्व प्रकाशित हो जाएगा एक झटके में। कब? तारण स्वामी की गाथाएं पचाना, ये सीनी का दूध है, स्वर्ण पात्र चाहिए, ढुलमुल श्रद्धा वालों को अंतर में नहीं आता, यहाँ तो निष्ठा वालों की बात है। या यदि तुम्हें अपने ध्रुव स्वभाव की श्रद्धा है, यदि तुम वास्तव में जनेंद्र भगवान के वचनों का यथार्थ श्रद्धान करते हो, यदि भगवान की अमृत में वाणी यदि अंतर हृदय में स्वीकार है, यदि भगवान की वाणी का यदि यथार्थ श्रद्धान है, तो आचार्य भगवंतों की वाणी में क्या आया है? हे जीवात्मा स्वीकार करो, स्वीकार करो कि मल रहियो हो, मेरी आत्मा वास्तव में कर्म मल से रहित है। भाई हमें तो दिखाई दे रहे हैं कर्म, तुम बाहर देख रहे हो, अंतर देखो। उपनाऊ जो दाता देव स्वभाव, अंतर दाता बनके अपने अंतर उपयोग को अपने में दान दोगे तो अपना देव स्वभाव प्रकार हो जाए। मानो तो क्या हमारे जिस समय दृष्टि अंदर जाएगी तत्काल हो उसी समय शीघ्रता से जो समय उसी समय अपना अंतरात्मा अनुभव में उत्पन्न हो जाएगा, समय तुम उसमें समा जाओगे, तत्व स्वभाव यही तो तत्व का स्वभाव है, स्वभाव में लीन होना ही यही तो समय का सार है, और नहीं तो लगे रहो 84 के चक्कर। मत मानो कि मैं आत्मा हूं, मत स्वीकार करो कि मेरे अंतर सुख है, मत मानो कि लोकालोक को प्रकाशित करने की ताकत मेरे अंतर में है, मत मानो, मत मानो। कौन ने बोला? नहीं मानोगे तो जिनेंद्र भगवान का या तारण स्वामी को कुछ बिगड़ने वाला नहीं, हमें तो नहीं माननी, हमें तो जो करना हम तो वही करेंगे, मत मानो, किसका नुकसान होगा? ना हमारा हो रहा, ना तारण स्वामी का हो रहा, ना जिनेंद्र भगवान का, नुकसान किसका होगा? देखो फिर अच्छी बोल दे रहा है, एक बार अच्छी बोल के फिर पहली गाथा में चल रहा है, अच्छे से सुन लो। जुहो, लोगों ने पूछा कि कैसे उत्पन्न होगा वो, तो उन्होंने कहा, ऊपर उन्होंने कहा ना तत्काल उत्पन्न हो जाएगा, शीघ्रता से मिल जाएगा, अब उसमें समा जाओगे, कर्म बल से रहित है, जिनेंद्र भगवान ने कहा है ज्ञान विज्ञान में अपना तत्व है, तो लोगों ने पूछा कैसे उत्पन्न होगा, उन्होंने कहा देखो कैसे उत्पन्न होगा, कैसे उत्पन्न होगा, हो अपनी दृष्टि को, अपनी सम्यक ज्ञान की दृष्टि को जब जुहो अपने में लगाओगे, कहाँ लगाओगे? देव सहाय शब्द सहाय, इन शब्दों के आश्रय से, भगवान की दिव्य ध्वनि के आश्रय से, जनवाणी के आश्रय से जब अपनी दृष्टि को अपने स्वभाव में लगाओगे तो वो देव स्वभाव दिखाई देगा। कैसे लगाए, कैसे लगाए? तम शब्द विमान प्रियो, ये जनवाणी हितमित भगवान के वचन, ये प्रिय हितमित भगवान के वचन, ये ही सप्त विमान है जो हमें परोन्मुख उपयोग से हटा के अंतर्मुख ले जाते हैं, भगवान की वचन ही है जो हमें पर पर्याय की चिंता को छुड़ा के आत्म चिंतन का अभ्यास कराते हैं, भगवान की दिव्यध्वनि है इस शब्द विमानी है जो तुम्हें संसार, जिनके माध्यम से हमें संसार दिखना बंद हो जाएगा और स्वास्थ्य में आत्मा दिखने लगेगा, भगवान कहते हैं हमें शब्द
विमान प्रियो, ये भगवान की हितमित प्रिय वाणी, इस शब्द विमान प्रिय है, क्या करो इस शब्द विमान में बैठो। अरे गुरु महाराज, इस शब्द विमान में बैठेंगे तो क्या होगा? सोई मुक्ति सहाय, तुम स्वयं मुक्त हो जाओ, तुम्हें तुम्हारा मुक्त स्वभाव मिल जाएगा। इन शब्द विमान में बैठ के यात्रा करोगे अंतर स्वभाव की, तो तुम्हें तुम्हारा शब्द विमान प्रकार, अपना मुक्त स्वभाव प्रकार हो जाए, मुक्ति अपना मिल जाएगी। कहा भैया कितना मुश्किल काम है, तारा साहब इतनी सरलता से बोल दे रहा है, कितना मुश्किल है कि नहीं? कहा मुश्किल है भैया, क्योंकि आत्मचिंतन में हमारा तो मन ही नहीं लगा, प्रवचन सुनने में तो नींद आ रही। यदि भगवान आत्मा की बात कहो तो कहना भैया नींद ही नींद आ रही, अच्छे नहीं लगे। हितमित प्रिय शब्द विमान की जब चर्चा चलती है, मैं आत्मा शुद्धात्मा परमात्मा हूँ, तो वैसे परम पदार्थ शुद्धात्म देव के अनुभव की बात चलती है, कहना भैया मन ही नहीं लगा, मन काय में लगा थे, मन तो इतने होते की बात करो अभी फिर मन लगे। देखो हम आप आपकी आपकी बात का भी जवाब दे देते हैं, वो कोई बात नहीं है। नींद आने के दो कारण है, आत्मा की चर्चा सुनने में नींद आने के दो कारण है। एक, नींद कम नहीं आती, जब हमारे अंदर बहुत यहाँ वहां के विचार चल रहे होते हैं, हमारे अंदर बहुत ज्यादा संकल्प विकल्प हो तो हमारा दिमाग इतना ज्यादा चलता है कि हमें नींद नहीं आती, टेंशन कारण। वो जब जिनवाणी की लोरी सुनते हैं, ये लोरी तो है, जब जिनवाणी की लोरी सुनते हैं तो हमारा ध्यान उन संकल्प विकल्प से हट जाता है और हमारे अंदर थोड़ी बहुत शांति होने से बड़ी अच्छी नींद आती है। लेकिन इसे आत्मा में लीनता नहीं कहते, इसे निद्रा कर्म का उदय कहते हैं, जो संसार परिवहन का कारण। जहाँ जागृत होना चाहिए था वहां सो रहा है, वो कर्म का उदय रहता है, वो किसी की गलती नहीं है। आत्मा की रुचि ना होने से, तत्व रुचि ना होने से, वो निद्रा कर्म जो सत्ता में पड़ा हुआ है उसकी उदीर्णा हो जाती है। शांति का वातावरण देख के निद्रा कर्म की उदीर्णा हो जाती और जागृति की जगह नींद आती है, बढ़िया नींद आती है। जो नींद घर में नहीं आती वो नींद बैठे बैठे आ जाती, वो फ्रेशनेस बैठे बैठे आती, वो निद्रा कर्म की उदीर्णा होने से होता है। अभिप्राय तो अपना अपना है, आप जो निकाल लो, क्योंकि ज्ञानी ऐसी बात बोलते कि सामने वाले का मनोबल ना गिरे। अब यहाँ कोई सोने वाला तो है नहीं, तो सच्ची बात बोलने में कोई दिक्कत है। तो बात यह है कि वहां निद्रा कर्म की उदीर्णा होती है। अब वह निद्रा 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 पिछला 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 स्थान वृद्धि आदि ये दर्शना वर्णन कर्म की जो प्रकृतियां हैं, इनमें से कोई ना कोई सामने उदय में आती है, और यहाँ उदय में आई और वहां जीव को प्रमाण आया, आलस आया। तो यहाँ बात यह चल रही है कि मोह की निद्रा में तो अनादिकाल से जीव सोया है, और जिनवाणी की शरण में आके द्रव निद्रा भी और निद्रा कर्म का उदय और आ जाता है, तो फिर जितनी जिनवाणी सुनने की पात्रता थी वो भी और खत्म हो जाती। तो यहाँ आचार्य भगवान कह रहे हैं, जिनेन भगवान कह रहे हैं, ये जीव आत्मा तत्काल हो, तेर करने का मार नहीं, मोक्ष मार कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, नरसों कर लेंगे, कल समझ लेंगे, परसों समझ लेंगे, भेद ज्ञान कल से करने लगेंगे, तत्निर्णय परसों से करने लगेंगे, ये मार नहीं है। आप मोक्ष मार्ग की बात कर रहे हो, देवत्व स्वभाव को प्रकट करने की बात कर रहे हो, निर्वाण की बात कर रहे हो, तो कल परसों नरसों का मार्ग नहीं। तो एक मार्ग काय का है? तत्काल, जिस समय सुना उस समय।
आपने अभी सुना, आपने अभी स्वीकार किया, आपको भगवान की वाणी पे अभी जड़ श्रद्धा हुई, अभी आपको महिमा आई कि ओ भगवान की अमृत में वचन, भगवान कह रहा है कि तू स्वयं भगवान है। जिस समय आपको महिमा आई, जिस समय आपको भगवान आया, तत्काल हो उसी समय क्या करो, ओ मन जो समय तत सुहाए, उसी समय अपने परमात्म पद को उत्पन्न करो। जिस समय महिमा आई उसी समय उसमें समा जाओ, तत्व स्वभाव, यही तत्व का स्वभाव है, यही तत्व सार तुलना का सार है कि जिस समय महिमा आई, जिस समय भगवान आया, उस समय अंतर्मुख हो जाओ तो अपने आप ही मुक्ति की प्राप्ति ही हो जाए। महिमा नहीं आई, भगवान नहीं आया, वो परमात्मा सत्ता स्वीकार नहीं हुई, तीन काल में मुक्ति मिलने वाली नहीं। अभी कल मत कहना, कल स्वीकार कर लेंगे, मत कहिए तत्काल, अभी स्वीकार कर रहे हो तो अभी अनुभव करो, अभी अंतर्मुख जाओ, अभी घर परिवार के विकल्पों को एक तरह करो, अभी अभ्यास तो करो अंतर जाने का। भाई अंतर जाने का अभ्यास करते तो नींद आ जाती, अरे आंख खोल के करो, आंख बंद करके मत करो, चिंतन तो करो कि मैं स्वभाव ही हूँ, मैं स्वभाव ही हूँ, भगवान के वचन सत्य ध्रुव प्रमाण, अभ्यास तो करो, अभ्यास करोगे तो अपना उपयोग अंतर्मुख जाएगा। देखो भैया मुक्ति देने वाला दाता यदि कोई है ना, तो वो आपका उपयोग है, ना तीर्थंकर दे सकते हैं, व्यवहार से उपचार से कहते हैं, तीर्थंकर ने मार्ग दिया और भव्य जीवन प्राप्त किया, वो दाता है, ये लेने वाला है, व्यवहार से बात चलती है, निश्चय से कहे तो आपको मुक्ति देने वाला आपका उपयोग है। ये उपयोग जिस दिन एक क्षण के लिए भी, एक सेकंड के लिए भी, वैसे आगम में एक समय कहा है लेकिन एक समय पकड़ में नहीं आता, एक क्षण के लिए भी जिस दिन ये उपयोग अपनी अंतरात्मा की ओर जाएगा, उस दिन स्वयं ही मुक्ति मिल जाए। और जब तक ये उपयोग अपनी अंतरात्मा की ओर नहीं गया, अपने स्वशुद्धात्म तत्व की ओर नहीं गया, तब तक तीहु काल में, तीन काल में कहीं मुक्ति मिलने वाली नहीं। यहाँ उपयोग अंतर गया तो मुक्ति स्वयं ही मिलेगी। दाता तो अपना उपयोग है, आप उसे घर में लगा लो, परिवार की चिंता में लगा लो, पैसे की चिंता में लगा लो, दुकान की चिंता में लगा लो, खेती की चिंता में लगा लो, व्यापार में जो भी कर रहे हो आप, जो भी है उसे घर गृहस्थी संयोग रूप उसे व्यापार की चिंता में लगा लो, या उस उपयोग को अपने आत्मचिंतन में, उस उपयोग से जिनवाणी के शब्द विमान में बैठ के अपने स्वयं की मुक्ति प्राप्त कर लो, या उस उपयोग से घर गृहस्थी की चिंता करके नरक निगोद आदि गति में गमन कर लो। दाता तो यही है, लेकर जाने वाला तो यही है। इस दाता से स्वर्ग प्राप्त कर लो, इसी दाता से नरक प्राप्त कर लो, और इसी दाता से मुक्ति प्राप्त कर लो। जहां उपयोग लगाओगे वो दशा प्रकट हो जाएगी, उपयोग आत्मचिंतन में लगेगा मुक्ति मिल जाएगी, उपयोग भगवान की भक्ति में लगेगा स्वर्ग मिल जाएगा, उपयोग पाप विषय कषाय में लगेगा नरक मिल जाएगा। जहां लगाओगे वो फल दे देगा। अब आप और हम निर्णय कर लो कि हमें कहां लगाना, कहां लगाना, पूजा पाठ नियम व्रत उपवास में लगाओगे तो स्वर्ग, और क्या बोलते हैं राग द्वेष लड़ाई झगड़ा पाप परिग्रह और दुनियादारी की चिंता में लगाओगे तो नरक, और यदि मैं गायक भगवान आत्मा हूँ ध्रुव सत्ता की स्वीकारता आत्मचिंतन मनन में लगाओगे तो मुक्ति। तीन तीन रास्ते हैं, कौन सा अच्छा लग रहा है? वर्तमान में यदि और अच्छे भोग चाहिए तो बड़े नियम उपवास व्रत करो, स्वर्ग में स्वर्ग जाओगे, स्वर्ग में अप्सराएं मिलेंगी। और भैया अब यही बहुत अच्छा सुख है, यही भोग ले रहा है, और फिर थोड़ी पीड़ा चाहिए, नर्क में तिल तिल कर देह के खंड की पीड़ा सहन करने की तैयारी है ना, मतलब बेकरिक शरीर रहता है, सहन कर लेंगे कछु नहीं, अभी खाओ पियो और मौज करो, बढ़िया आराम से पाप परिग्रह करो, तो नर्क में जाके बढ़िया एक आध दो सागर, पांच सागर, दस सागर, जितनी दिन इच्छा हो बढ़िया अच्छे से आनंद भोग के आ जाना। बेकरिक शरीर मरना तो हो गई नहीं, ठीक है, टेंशन नहीं। पर ऐसा लग रहा हो भैया स्वर्ग भी होगा अब नर्क भी होगा, अब तो छुट्टी छोड़ छुट्टी कर ले, मुक्ति चाहिए, अभी तारण स्वामी कह रहे हैं तत्काल हो, फिर कल का है परसों का है करने तो अभी करो, अरे मुक्ति चाहिए फिर कल परसों थोड़ी मिले, कल वेद ज्ञान कर ले, परसों तत्व निर्णय कर ले, परसों कल जाप कर ले, शाम को स्वाध्याय कर ले मंत्र, अरे ये कल परसों को काम नहीं, अरे मुक्ति चाहिए तो तत्काल हो तुरंत ही करो अभ्यास, काय का ओगनुजू अपने आत्म तत्व को उत्पन्न करने, तो
अपने तत्व का सार समझो और अपने स्वभाव को जानो और आज ही मुक्ति को प्राप्त करो। जब अंतर्मुख हुए मुक्ति मुक्ति है, और बाहर देख रहे हो तो संसार ही संसार। कब करने मुक्ति? आज, कल, परसों। चलिए बता दो, समय हो गया है। हाँ, ये कहानी तो अपन रोज ही सुन रहे हैं, जब जाओ जब समय रहा। अपनों कब हुए ये बता दो। देखो भैया, आखिरी बात, लास्ट, आज की चर्चा का लास्ट विषय, बाहर का सूर्य तो उदय हो गया, संसार में सवेरा हो गया, एक अंतर को सवेरा कब हो रहा है, ज्ञान को सूर्य कब उदय हो रहा है? बाहर में सवेरा तो हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? बाहर में तो सूर्य निकल रहा, सवेरा होगा। अंतर को सूर्य कब निकल रहा हो, सम्यक ज्ञान को सूर्य कब निकल रहा हो, अंतर सवेरा कब हो रहा? अरे भगवान आत्मा, जैसे कि सूर्य के प्रकाश होने से हम रोड पे चलते हैं, चलते हैं, पत्थर आता है तो वहां से बच के निकल जाते हैं, गड्ढा आता है तो साइड से निकल जाते हैं, ऐसे ही यदि सम्यक ज्ञान का सूर्य निकल गया तो शल्य चिंताएं आएंगी, लेकिन वो कार्य जैसा होना है वैसा होगा, ऐसा निर्णय करके साइड से हटके बच के निकल जाओ। अब पत्थर पड़ो हो तो तुम ऊपर देख के चल रहा हो अहंकार में फूले हुए कि मेरा मकान मेरा दुकान, तो पत्थर से टोकन लगेगी और मुंह के बल गिरो। और यदि बढ़िया सूर्य का प्रकाश हो गया, उजेला हो गया, सम्यक ज्ञान का उजेला हो गया, सल आ रही है, चिंता आ रही है, नाना प्रकार के विकल्प आ रहे हैं, तो हट बच के निकल जाओ। और ये बढ़िया बड़ा अच्छा बड़ा ब्रेकर है तो गाड़ी स्पीड में ना निकाल लो, थोड़ी स्लो निकाल लो भैया, कर्म धारा थोड़ी तेज चल रही है तो थोड़ी समता शांति रख के अपनी गाड़ी की स्पीड थोड़ी स्लो करके निकाल लो। अरे तुम 120 की स्पीड में जाओ तो पलटने तो है ही, वो पलटेगी। इसलिए ये ब्रेकर बड़ा है तो समता रख लो थोड़ी देर, थोड़ी देर में सब स्थिति नॉर्मल हो जाएगी, तो वस्तु स्वभाव का निर्णय करके और अपन आगे बढ़ जाओ। अब कर्म में तो ये सब है, इसलिए हटना बचना और अपनी संभाल करना ये अपने हाथ में है। अपन ये सब अभ्यास करेंगे तो आज नहीं तो कल, और कल नहीं तो परसों अपने मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी, ऐसा सर्व भगवान का हम समस्त भव जीवों के मंगल में उपदेश है। बोलिए आचार्य प्रबल शत्रुबल शक्त तारम तरम लाचारी महाराज की जय। चरमोस्तु तत्त्वशरण।